निमाड़ की प्रतिनिधि संस्था अखिल निमाड़ लोक परिषद द्वारा निमाड़ी दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष 19 सितंबर को परिषद आयोजन कर इस दिन को मनाते हैं। इस वर्ष यह आयोजन लालबाई फुलबाई मंदिर सेगांव में संपन्न हुआ। इस आयोजन निमाड़ी में योगदान के लिए 20 कलाकारों का सम्मान किया गया। अतिथि कथावाचक मोहन भाई, संस्था अध्यक्ष उदय सिंह अनुज न्यास, अध्यक्ष जगदीश जोशीला, महासचिव मुफज्जल हुसैन, मनीषा जोशी, जीवन शर्मा, राम शर्मा, मंचा सिंह थे। सस्वर सरस्वती वंदना महेश्वर से आए कलाकारों ने प्रस्तुत की। अपने उद्बोधन में कथावाचक राम भाई ने निमाड़ी के लिए परिषद द्वारा किए जा रहे कार्यों पर खुशी जाहिर करते हुए इसे प्रदेशव्यापी बोली बनाने की बात कही। भाई जी ने निमाड़ी भजन सुनाकर माहौल में भक्ति रस में घोल दिया गया। वरिष्ठ साहित्यकार बसंत निर्गुने ने कहा कि निमाड़ी संस्कृति को बचाना है। परिषद की सक्रिय इकाइयों के कार्यों की जानकारी देकर स्वागत किया। संस्था अध्यक्ष उदय सिंह अनुज ने अपने उद्बोधन में कहा कि निमाड़ भवन निमाड़ में बनाना चाहिए। सिंगाजी सर्जन पीठ के संबंध में संस्कृति मंत्री विजयलक्ष्मी साधो से चर्चा कर इसकी स्थापना की मांग की। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। हम परिषद को दो ही कार्यक्रम मुख्य रूप से साल भर में मनावा, एक मार्च ताकतवर और जब सेना ज्यादा हो तो यो दूसरो मुख्य लक्ष्य छे हमारो कि हमारा जो आजीवन सदस्य छे ओका बराबर एक हमने पिछली बार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।